अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरा डिज़ाइंस। आज मैं आप लोगों को प्लाजो पैंट का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन दिखाऊंगी, जिसे हम लूप और बटन के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली है, पैंट टाइप प्लाजो काटा है मैंने। आप चाहे तो इसे प्लेन प्लाजो भी बना सकते हैं, बस आपको वो साइड कट वाला काटना है। प्लाजो की लेंथ आपको बराबर उतनी ही रखनी है जितनी आपकी एक्चुअल लेंथ होगी, बस आपको नीचे की तरफ आधा इंच या एक इंच रखना है मार्जिन के लिए। यहाँ पे मैंने जो है अब ये पट्टियाँ काटी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी चौड़ी ये पट्टियाँ काटी है। तकरीबन मैंने एक एक इंच की ये पट्टियाँ काटी है और इन पट्टियों से जो है हम लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हम जो है इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इस तरह से देंगे, दूसरा फोल्ड हम जो है नीचे की तरफ से इस तरह से देंगे, फिर जो है हम एक और फोल्ड देंगे इसमें इस तरह से, उसके बाद जो है इसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, उसके बाद जो है स्टिच करके ये देखिए बराबर से रखते हुए इसे स्टिच कर देंगे हम। आप चाहे तो इसे डोरी लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली लूप जो है ये अच्छी रहती है इस डिजाइन में। बराबर से रखते हुए हम जो है सारी लूप बना देंगे। मैंने जो है यहाँ पे सारी जो है लूप तैयार करके रखी है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी ये मैंने तैयार की है डोरी जैसी। अब हम जो है इसमें लूप काटेंगे। लूप हम जो है वो ढाई ढाई इंच की एक काटेंगे, इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस पे ढाई इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे मैंने जो है सारी लूप्स तैयार कर ली है, काट दी है मैंने। अब हम जो है इन्हें लगाएंगे अपने प्लाजो पे। यहाँ पे मैंने जो है अपने प्लाजो की एक टांग ली है, ऊपर वाला छोटा वाला हिस्सा और नीचे का बड़ा वाला हिस्सा, और लूप्स जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे नीचे के बड़े वाले हिस्से पे। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ से एक एक इंच पे निशान डाल रही हूँ इस तरह से। इसके बाद जो है हम एक और निशान डालेंगे इस एक इंच से ऊपर की तरफ आधा इंच पे या पौने इंच पे आप निशान डाल सकते हैं, जहां से हम जो है अपने लूप लगाना स्टार्ट करेंगे। लूप को जो है हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो है फिर लगा देंगे। इस तरह से आपको जो है लूप बना लिए। इसके बाद जो है हम इस पे लगा देंगे। आप चाहे तो लूप लगाने से पहले इस तरह से एक निशान डालेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल आधे इंच का लगभग, ताकि आपको जो है आइडिया रहे कि लूप आपको इसी लाइन के बराबर लगा लेनी है। इस तरीके से हम जो है सारी लूप्स लगा देंगे एक एक करके बराबर का डिस्टेंस रखते हुए। यहाँ पे मैं जो है अपनी लास्ट वाली लूप भी लगा रही हूँ। अब हम जो है इसको इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे जो है मेरी सारी लूपें लग गई है, टोटल 7 लूप लगाई है मैंने। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब जो है मैं अपने दूसरे वाले हिस्से को इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरह से, और इसको जो है उल्टा करूँगी। जहाँ से हमने लूप लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है इसको नीचे वाली तरफ, नीचे वाली साइड के साथ जोड़ने के लिए। इससे जो है हमारी लूप वाली सिलाई भी गुम हो जाएगी। ऊपर तक हम इसको जो है सिलाई लगा देंगे। साइड वाली सिलाई जो है हमारी लग गई है, आप देख सकते हैं, और लूप्स भी अच्छे से इसके साथ अटैच हो गई हैं। मैंने जो है अब अपने प्लाजो का सेम फैब्रिक लिया है, इस तरह से 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने। अब मैं जो है इसके ऊपर अपना प्लाजो रख रही हूँ। इस तरह से हम इसके ऊपर अपना प्लाजो रखेंगे और ये पट्टियाँ जो है लूप से थोड़ी ऊपर ही होनी चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा इससे होनी चाहिए। अब इस पट्टी को जो है हम अपने प्लाजो के ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसको जो है इसके साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए हम जो है पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और प्लाजो को पट्टी के ऊपर।
इस तरह से इसको रख के स्टिच करेंगे एक एक इंच पे जो कि हमने एक्स्ट्रा डाला था। ये जो है पट्टी हमारी प्लाजो के साथ स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे मैं जो है इस पट्टी के ऊपर प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बैठ जाए इसके ऊपर। ऊपर वाली साइड से जो है मैंने आधा आधा इंच अंदर की तरफ डाल दिया है फोल्डिंग, जिसके ऊपर जो है हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके ऊपर प्रेस करते हुए साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम काट देंगे। यहाँ पे जो है अब मैं बीच में एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ लूज नंबर पे ताकि ये हिले ना, बाद में हम इसे उठा देंगे। अब मैं जो है इसके ऊपर जो हमने आधा इंच इसके अंदर की तरफ फोल्ड किया था वहाँ पे जो है स्टिच कर रही हूँ टॉप स्टिच। हमारी जो ये टॉप स्टिच लग गई है, अब मैं जो है इसके नीचे एक पैर की एक और सिलाई लगा रही हूँ, इससे जो इसमें एक अच्छा लुक आएगा। इसके बाद जो है नीचे की तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से, किनारी वाली सिलाई लगाई है मैंने। ये जो है हमारा पीस जो है इसके साथ जुड़ गया है। अब हम जो है इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे जो है मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है। अब मैं जो है आपको इसको टर्न करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये लूप जो है किस तरीके से इसके साथ जुड़ गई है। अब मैं जो है यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल लूप के नीचे हमें निशान लगाना है जहाँ पे हम जो है बटन लगाएंगे फिर इस तरह से। अब जो है मैं इसके ऊपर बटन लगाऊंगी बराबर इसी इन्हीं निशानों पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसके ऊपर बटन लगा दिए है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।